नई दिल्ली की एक कंपनी ने एग्रीकल्चर स्ट्रेंट ड्रोन किसान यूईवी लॉन्च किया है, जो किसानों को खेतों में दवाई छिड़काव करने में काफी मददगार साबित होगा। इस ड्रोन के उपयोग के बाद किसानों को पैसों की भी बचत होगी, साथ ही समय भी बचेगा। वहीं दवा छिड़कने से होने वाली शरीर को नुकसान से भी सुरक्षा मिलेगी। मध्य प्रदेश में सबसे पहले धार के कृषक पांडे ने अपने खेत में इसकी मदद से दवाई का छिड़काव किया है। कंपनी की प्रतिनिधि रूवी द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस ड्रोन के खेत में उगी फसलों में उपयोग से पेस्टिसाइड ग्रोथ के उत्पाद बढ़ाने के लिए जो इन्हें सर स्प्रे होता है, जिससे पानी की काफी बचत होती है। जहां 50 लीटर पानी का उपयोग होता था, वहीं इस ड्रोन से स्प्रे की मदद से 12 लीटर पानी में ही ये काम पूरा हो जाएगा। इस ड्रोन की मदद से काम करने में समय की बचत भी होगी, साथ ही आने वाले समय में 40% की सब्सिडी भी दी जाएगी। गुरुवार को धार जिले के नालछा और ग्राम देवता में किसानों के खेतों में ड्रोन की मदद से दवा छिड़काव किया गया। नालछा से विनीत यादव की रिपोर्ट। ने मध्य प्रदेश में पहला ड्रोन लिया है किसानों को फायदा दिलाने के लिए। और आप भी एक किसान हो तो आपको इससे क्या फायदा होगा और आप किस पर्पज से आपने इसको लिया है? ये एक नई तकनीक है जो कि बहुत अच्छी है और इससे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। किसानों का एक तो समय की बचत होगी, किसान को दवाई का कम वॉल्यूम लगेगा तो पैसे की बचत होगी, किसान की बहुत ज़्यादा सुरक्षा होगी। और जो किसान जो फसल में नुकसान होता था किसानों का, ट्रैक्टर चलने से, लेबर चलने से जो फसल टूट जाती थी, वो फसल नहीं टूटेगी तो किसान को उसका भी ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। आप किसान उनको और क्या संदेश देना चाहते हैं कि किसान इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करे? मैं किसान बंधुओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस नई तकनीक की ओर आकर नई तकनीक का लाभ लें और अपना समय, पैसा और सुरक्षा तीनों चीज़ करें। समय भी बचाएं, पैसा भी बचाएं और अपनी सुरक्षा भी करें। किसान जो दवाई छिड़कते हैं उससे जो जानवर खेत में रहते हैं, जैसे सांप वगैरह, उससे भी किसानों की बचत होगी। और जो दवाइयां मुंह पर और नाक में जाती है, जो उससे रिएक्शन होते हैं जो किसानों को, उससे भी काफ़ी राहत मिलेगी इसमें। आपका नाम? मेरा नाम शरद पांडे, मैं नालछा का एक छोटा किसान हूँ। आपकी कंपनी ने ड्रोन मध्य प्रदेश में लॉन्च किया, तो आप उस ड्रोन की क्या खासियत रहेगी और किसान को क्या नुकसान रहेगा और क्या फ़ायदा रहेगा? जी, हमारी कंपनी ने एग्रीकल्चर स्प्रेइंग ड्रोन लॉन्च किया है मध्य प्रदेश में। सबसे पहले हमारे ग्राहक हैं पांडे जी अभी धार में। इससे ये पेस्टिसाइड्स ग्रोथ की उत्पाद बढ़ाने के लिए जो इन्हेंसर होता है वो सारा कुछ स्प्रे करती है। इससे आपका पानी की बचत होती है, जहाँ 500 लीटर लगता था वहाँ ये 12 लीटर के टैंक कैपेसिटी में दवा का छिड़काव कर रही है। समय की बचत है, हम एक एकड़ करीब 8 मिनट से कम समय में कर लेते हैं। किफ़ायती है, हमें 200 से 250 रुपये से 350 रुपये के बीच में हम अपना ऑपरेशन कॉस्ट निकाल पाते हैं इसमें। चौथी बात कि जब ये ग्रामीण इलाके में पहुंचेगा तो उससे जो वहाँ के युवा हैं उनको रोज़गार मिलेगा। जब वो इसकी ट्रेनिंग लेंगे तो सरकार उनको सब्सिडी देगी, उनको 40% पे मशीन मिलेगी और उसके साथ ही उनके रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। इसमें मैडम और किसान को क्या फ़ायदा है थोड़ा सा? किसान को ये फ़ायदा है कि सबसे पहले उनका काम जो है वो कम समय में हो जाएगा। उनकी खुद की सुरक्षा इसमें निश्चित रहती है, क्योंकि आपने मशीन चला दी, उसमें आप खेत में खुद नहीं जा रहे हैं, पानी के सीज़न में आप बचाव हो रहा है कीचड़ में, जानवरों से आपकी सुरक्षा रहेगी, समय की बचत रहेगी, पानी की बचत रहेगी। और जो केमिकल भी इसमें इस्तेमाल होता है वो भी रेगुलर यूज़ से कम क्वांटिटी में रहता है। मैडम इस ड्रोन का क्या नाम दिया और किस कंपनी से है? जी, इस ड्रोन का नाम है किसान यूएवी और हमारी कंपनी का नाम है डीएवीएटर्स एलएलपी। हम नई दिल्ली में बेस्ड कंपनी। आपका नाम? मेरा नाम ध्रुवी द्विवेदी। क्या पद पे है आप कंपनी में? मैं हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट, मैं सारा सेल्स और मार्केटिंग का काम देखती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।